प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज का दिन एक आशीष का दिन आपके लिए बने और जो गीत हमने गाया है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 13 एंड 14, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इफ यू आस्क वट एवर यू आस्क इन माई नेम दैट विल आई डू दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन। सो आज प्रार्थना के विषय में जब हम सुनते हैं तो प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे अधिक प्रचार किया जाता है, लेकिन दुखद बात यह है कि वो सबसे कम की जाने वाली सत्यता भी है। हम प्रचार बहुत करते हैं, प्रचार बहुत सुनते हैं, परंतु करते सबसे कम है। परमेश्वर की एक संतान के लिए प्रार्थना वो एक हथियार है जिसके द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है, प्रार्थना हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, प्रार्थना हमें चंगाई दे सकती है, प्रार्थना हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार ला सकती है, और प्रार्थना हमें भरपूर जीवन की ओर अग्रसर कर सकती है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को लेकर आती है। प्रार्थना हमारे कमियों को दूर कर सिद्धता की ओर हमें लेकर चलती है, और सबसे बढ़कर प्रार्थना वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। मैं अगर उदाहरण के लिए कहूं, यदि आप एक नदी के एक किनारे पर खड़े हैं और आपको दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो आपको एक पुल की आवश्यकता है। तो कल्पना कीजिए, आप एक किनारे पर हैं और परमेश्वर दूसरे किनारे पर है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, और नदी उफन रही है, कोई नाव नहीं चल सकती, इतना पानी बह रहा है, और अगर उन परिस्थितियों में आप खड़े हैं और आपको लगता है कि यह पानी आपको डुबो देगा, और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक पुल का निर्माण कर रहे हैं आपके पास से परमेश्वर के पास। और जब उस प्रार्थना को आप करना प्रारंभ करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, परमेश्वर के पास से आपके आशीषें, आपकी प्रार्थना का उत्तर उस पुल से होकर आपके पास पहुंचेगा। यानी विश्वास के साथ प्रार्थना का पुल जब आप बनाते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है, उसके 23 वचन से जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की एक प्रार्थना को हम देखते हैं। अगर 4 अध्याय की शुरुआत से पढ़ेंगे तो उस लंगड़े व्यक्ति को जो 3 अध्याय में पत्रस और यूहन्ना ने चंगाई दी उसके कारण नगर में बड़ी हलचल मच गई और लोग ये कहने लगे, जो महायाजक और जो महासभा उन्होंने विचार किया कि इन लोगों को बुलाते हैं कि वो यीशु के नाम से कुछ ना करे, और उन्हें बुलाया गया और उन्हें धमकाया कि फिर यीशु के नाम से किसी मनुष्य से बातें ना करें, 4 अध्याय 18 वचन में, और उन्हें चेतावनी देकर उन्हें भेज दिया। और जब ये लोग आए तो इन्होंने अपने साथियों के पास आकर प्रार्थना किया, और 23 वचन से लेकर 31 वचन तक 4 अध्याय में प्रेरितों की पुस्तक में वो प्रार्थना है। 24 वचन में लिखा है, वो एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहने लगे, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ
उसमें है, बनाया है। उस प्रार्थना में सबसे पहले उन्होंने उस परमेश्वर की सार्वभौमिकता को, उसके सर्वोच्च आधिपत्य को उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया। जीवन की प्रतिकूलताओं के बीच में, धमकियों के बीच में, कठिनाई के बीच में वो परमेश्वर को बोल रहे हैं, तू ही सामर्थी है, तू सब कुछ बनाने वाला है। और उसके बाद इस प्रार्थना में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हमें सुरक्षा दीजिए, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना किया उसके 29 वचन में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाप से सुनाए। वाह, ये बड़ा खूबसूरत है। यानी वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परंतु उन धमकियों के बीच में, उन डर के बीच में वो हियाब हिम्मत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किस लिए हिम्मत? वचन को और सुनाने के लिए। और फिर वो कह रहे हैं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। एक खूबसूरत प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया तो जानते हैं क्या हुआ? 31 वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। वाव, इस प्रार्थना को अगर आप देखेंगे शुरू से, सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना का उत्तर, उसके बाद वचन हियाब से सुना रहे हैं, यानी प्रेयर, उसके बाद एक शेकिंग, उसके बाद शेयरिंग। वाह, प्रभु आज भी इन वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज आपके जीवन में अगर आप किन्हीं परिस्थितियों को लेकर डरी हुई अवस्था में हैं, सहमी हुई अवस्था में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो आप इन चेलों से सीख सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना में उन्होंने शत्रुओं के विरुद्ध प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि महासभा के लोगों के पैर टूट जाएं या बीमार हो जाएं या वो मर जाएं, उनके ऊपर आप आग भेज दें, ये नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तू सर्वसामर्थी है और हमें हिम्मत दे कि हम इन परिस्थितियों में तेरे वचन को और हियाप से सुनाने लगे। और जानते हैं प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? जिस स्थान पर वो बैठे थे उसको हिलाकर। वाह, मैं इस तरह से देखता हूं, जैसे कोई छोटा बच्चा जब अपने पिता से कुछ बातें बोलता है, पिता बहुत प्रसन्न हो जाता है तो बच्चे को अपने हाथ में लेकर जोर से हिला देता है। ओ, मानो स्वर्ग का परमेश्वर उनके घर को हिलाकर कह रहा है, आई एम सो प्लीज्ड, मैं तुमसे बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने जो प्रार्थना की है वो मेरे मन के अनुसार की प्रार्थना है। तुमने व्यक्तिगत प्रार्थना में स्वार्थ नहीं रखा, तुमने और किसी दुश्मनी की वजह से ये प्रार्थना नहीं की, तूने अपने शत्रुओं के लिए भी बुराई की बात नहीं कही, परंतु तुमने मेरे नाम को ऊंचा किया, मेरे नाम को आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ को मांगा और उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर उस स्थान को हिला दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आप जीवन में इस प्रकार की प्रतिकूलताओं से गुजर रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा को करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी अवस्थाओं को हिलाना प्रारंभ कर देंगे। हिलाने का अर्थ है परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट हो रहा है। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में अगर परमेश्वर के उस उत्तर को देखना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेयर। हालेलुया, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के ये अद्भुत वचन आपके जीवन में अनुग्रह का कारण बने, मेरी प्रार्थना है। और प्रभु आपको ये सौभाग्य दे कि आप प्रार्थना करें और प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा
परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को आपके जीवन में प्रकट करने पाए। यहेज़कियेल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैं एक ऐसे पुरुष को ढूंढ रहा हूं जो उस नाके में खड़ा होकर प्रार्थना करे, नाके में खड़ा होकर प्रार्थना करे, देश के सुधारने के लिए प्रार्थना करे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, आज भी उत्तर देते हैं, आपका भी उत्तर प्रभु देंगे। बहन, आपकी प्रार्थना का उत्तर शायद आपको नहीं मिला बहुत समय से। भाई, आप भी शायद व्याकुल होंगे, प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए उस परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए। आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। हमारा प्रार्थना जीवन सुधार दे प्रभु। चेलों ने जैसे प्रार्थना किया, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। प्रतिकूलताओं में, कठिनाइयों में, तकलीफों में, टूटेपन में, निराशा में हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की व्यथाओं को पिता के सामने रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी इस प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आज जब आप